नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के पूसा आईसीआर में, जहां पे कृषि विज्ञान मेला लगा हुआ है। और हमारे साथ मौजूद हैं अलवर राजस्थान से आए हुए कुछ किसान भाई। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनका यहाँ आने का मकसद क्या है। बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का। आप लोग सबसे पहले बताइए कि यहाँ आने का आप लोगों का क्या मकसद है? नया कुछ सीखने के लिए। नया कुछ सीखने के लिए आप लोग यहाँ आए हैं। किसकी खेती आप सबसे ज़्यादा करते हैं, किस फसल? सरसों, गेहूँ, चना। सरसों, गेहूँ, चना। हाँ जी, सब्जियाँ बोते हैं जी। तो आज आप यहाँ पहली बार आए? इससे पहले जो पहली बार आए आज, तो क्या कुछ इससे पहले आपको यहाँ सीखने को मिला? हाँ, मिला। क्या क्या सीखने को मिला यहाँ सीखने? बगैर यूरिया के, बगैर बगैर देसी खाद से पैदा होने वाले सरसों, चने, ये देखने को मिला है सबसे ज्यादा। जैविक खेती। जैविक खेती के बारे में जानने को मिला। तो अभी आपने जो यहाँ से सीख के गए वो वहाँ लागू किया आपने? हाँ, चालू कर रखा है जी। चालू कर? हाँ जी। आज तो कितना फायदा मिला आपको उससे? हमें फायदा तो मिलेगा तब ना, शुरू किया है। कटाई करेंगे जब, मतलब पैदावार अच्छी हुई है? हाँ, पैदावार बढ़िया है। पैदावार अच्छी हुई है। तो क्या क्या उगाया आपने ऑर्गेनिक? सरसों उगाया है, चना उगाया है, गेहूँ है, जो है सब्जियाँ हैं, कई चीजें। और अगर अभी ये बात करें कि आने वाले कुछ महीनों में देश में चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है, तो अभी जो सबसे बड़ा जो गंभीर मुद्दा बना हुआ है वो किसान का मुद्दा बना हुआ है। तो किसान को तरह तरह की प्रॉब्लम होती है, चाहे वो MSP की प्रॉब्लम हो, चाहे पैदावार की प्रॉब्लम हो। किसान आज भी जो है बारिश पर बहुत डिपेंड रहता है, आज भी जो बारिश से आने वाला है उस पर बहुत उसकी खेती चलती है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए किसानों के लिए, जो किसान का जीवन जो है आगे बेहतर हो सके, अच्छा हो सके? बताओ मदन जी। कम पानी ले, ड्रिप है, इरीगेशन है, फुहारा है, मिनी फुहारा है, इसके लिए पानी कम पानी ले, ज़्यादा पैदा हो, इसलिए ज़्यादा ज़मीन में सिंचाई हो, इसलिए सब्सिडी ज़्यादा दे तो किसान उसमें विकास हो जाएगा। क्यों, जिसके पास कम पूंजी है तो सब्सिडी से वो अपना गुजारा कर लेगा, उसे क्यों पानी कम है तो उसमें मिनी फुहारा है, ड्रिप वगैरह, इसमें सिस्टम बैठ जाएगा उससे। सरकार की तरफ से भी कितना सहयोग मिल रहा है आप लोगों को? हाँ, सरकार 50% मिल रहा है। 50% मिल रहा है। राज्य सरकार की, केंद्र सरकार? राज्य सरकार, राज्य सरकार से मिल रहा है। अच्छा, और केंद्र सरकार की तरफ से कोई कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। तो केंद्र सरकार का ये एक जो इनका जो कृषि का, जो कृषि को लेकर जो तमाम योजनाएं जो केंद्र सरकार ने लागू की हैं, उससे उसको लेकर अभी आपको कोई फायदा मिला है कि नहीं मिला? नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो अभी क्या कहना चाहेंगे, अगर आपकी बात सरकार तक पहुंचे तो क्या कहना चाहेंगे आप सरकार, किसान भाइयों के लिए क्या किया जाए, कौन सी योजना को आगे इम्प्लीमेंट किया जाए? आधुनिक उपकरण बनाया जाए सर, आधुनिक नया नया उपकरण बताया जाए किसानों को, जैसे कि अपना विकास कर सके। ये किसानों को ना नई मशीनों का, आधुनिक उपकरणों का मालूम नहीं है, इसलिए नई तकनीक अपनाई जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के।